हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए, आपका टाइम हो चुका है, यहाँ पर बज रहे हैं रात के 7। यहाँ पर हम अच्छे से क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में आपको CDP के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि बहुविकल्पी हैं। आप सभी देख रहे हैं थंबनेल पर हर चीज़ क्लियर कट में है। आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं, जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी, आज आप लोगों को बहुत सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इसके पहले अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके जो कोर्स हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उनको थोड़ा रफ्तार में भी बढ़ा दूं और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करूं। तो ये PDF वगैरह जितने भी क्वेश्चंस के हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़रूर से ध्यान रखिए। दोस्तों में शेयर के लाइक करना बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, इसलिए कॉमेंट बॉक्स बना होता है कि वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ फंस रही है, तो आप वहाँ पे क्लियर करने पूछ सकते हैं ताकि ये सोल्यूशन आपका सॉल्व हो जाए। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये बहुविकल्पी प्रश्न या जो कुछ भी हैं, बाल विकास के हों, शिक्षण अधिगम के हों, सोशल साइंस के हों, व्हाटएवर किसी भी सब्जेक्ट के हों, जो भी करवाए जाएंगे टेलीग्राम पर ही अवेलेबल होंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके वो चीज़ आसानी से लेकर अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कुछ भी हैं, उन्हें जितनी चीज़ें दी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 50 नंबर का पेपर है, आपके 15 प्रश्न आते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको वर्क करना, काम करना बहुत ज़रूरी, थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करिएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि अभी बहुत सारे टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, फिर भी मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। तो थोड़ा सा देखिए, बिना पढ़े प्रश्न आप नहीं कर सकते, बात मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रश्नों में उलझने से पहले बेटर है कि उन चीज़ों को थ्योरी पढ़ा। आप जो सीरीज से पढ़ाई करते हैं उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए, करेक्ट? आप क्या कर रहे हो, उसे याद कर रहे हो, इसीलिए आपके साथ ये समस्या आ रही है कि वो चीज़ें आपको क्लियर, क्योंकि आप इसके रूल को पढ़ लो, इसके जो नियम है, इसकी जो चीज़ें दी गई हैं वो आप पढ़ लो, तो वो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने सीरीज ले रखी है और सीरीज से फिर आप उसमें जो है ये MCQ जो दी है, वो पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए वो आप याद कर रहे हैं, तो इससे आपको समस्या ज़्यादा पड़ रही है और याद नहीं होता, क्योंकि हम इसे बहुत सारी चीज़ों को बनाकर ज़्यादा लिखते हैं। जो एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं या जो थ्योरी हमने पढ़ी है उस टॉपिक पे, जो कुछ जो डिस्कस किया हुआ है, उनमें वो चीज़ों को हम नॉर्मली वैसे पढ़ते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा समझो कि क्या दिया है, कैसे दिया है, क्या काम करना है, ये चीज़ें काफ़ी ईजिली आपको आनी चाहिए, तभी ये चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 मैंने आपको सिंपली बता दिया, बेसिक है, सिंपल है, ये आपको ध्यान रखना है, फिर आपके सिंपल सिंपल आंसर है। तो अभी ये आपने जैसे पढ़ा, तो इन चीज़ों में आपको अभी तो ये एक क्वेश्चन है, आज मैं इसके आंसर बता दे रही, लेकिन अगर उसकी थ्योरी आप पढ़ लोगे, जो थ्योरी की क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती है, वो आप पूरी कवर कर लोगे। आप लोगों की प्रेजेंस बहुत कम होती है, इसलिए दिक्कतें आपके ज़्यादा, तो ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा याद करेंगे, आपको चीज़ें आएंगी नहीं, इसीलिए तो आपके सेशन की क्लासेस चलती हैं, उनको ज़रूर देखा करिए, फिर क्वेश्चन आपको अंत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पहला पढ़ रहे हैं, तो चलिए फटाफट सभी लोग इसका आंसर बताइए कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, तो वो कैसा बालक होता है? जैसे एक इंटेलिजेंस IQ, इसको हम बुद्धि लब्धि को इंटेलिजेंस IQ कहते हैं, ठीक है, IQ कहते हैं। तो ये बताइए कि अगर कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी बच्चा है, कुछ भी है, उसका जो रेशियो है 90 से 110 के मध्य में आ रहा है, तो वो कैसा है? सामान्य बुद्धि का, प्रखर बुद्धि का, उत्कृष्ट बुद्धि का और प्रतिभाशाली बुद्धि का। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए कि एकदम क्लियर कट में, वो चारों में क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है? बच्चे की बुद्धि लब्धि का जो रेशियो है 90 से लेकर 110 के मध्य में जो होता है, या जिन बच्चों की कैटेगरी आती है, या जो बच्चे इनमें आते हैं, उनमें अगर आपको नाम देना रहे या कुछ भी देना रहे, तो आप क्या यहाँ पर देंगे? बहुत बेसिक है, सिंपल है, आंसर बताइए क्या होगा। जिन्होंने पढ़ रखा है, सेल्फ स्टडी की है या टेलीग्राम से नोट्स वगैरह लिए, उम्मीद है कि वो बच्चे ज़रूर उसका रिप्लाई दें, गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहला है सामान्य बुद्धि, कैसा है? सामान्य बुद्धि एक ऐसे स्टूडेंट्स की कैटेगरी या ग्रुप को बताया जा रहा है जो आपके 90 से 90 से लेके 110 के बीच में आ रहा है। ठीक है, चलें, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं, इतना ध्यान रखें, बच्चे की बुद्धि लब्धि के मध्य की जो बात है वो बिल्कुल भी आपको समझनी इस तरीके से नहीं है। इनमें टॉपिक्स को समझ लीजिए, फिर एक रेशियो का चार्ट है, वो चार्ट में आपको पूरा दिखा दोगे तो चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो पहले में पहला अगर किसी ने बताया है, तो आपको समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। बच्चे के लिए जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम है, अधिनियम, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो जो लागू है, उसमें क्या है? पहला है 6 से 14 वर्ष एक ऑप्शन, 7 से 13 वर्ष दो ऑप्शन, 5 से 11 वर्ष 3 ऑप्शन, 6 से 12 वर्ष। ये जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की जो बात यहाँ पर हो रही है, वो यहाँ पर लागू होने की
जो नियम है या जो चीज़ें हैं वो किड्स कैटेगरी के ऊपर लागू होने की बात कही जा रही, वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने बचे हुए हैं, ठीक है। ये आपके रूल्स में दिए गए, आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ का जो क्राइटेरिया है जिसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं वो है आपका कौन सा ऑप्शन है। उम्मीद है कि सभी सही बता रहे हैं। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन है। तो अगर पहले में दूसरे में भी दूसरे पहले बताया है तो उनको भी एक नंबर बहुत आसानी से गेन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको बहुत प्रश्न 15 आएंगे तो आपको 1 by 1 करना होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। एक बच्चा है, कोई एक बालक है, बच्चा लड़का लड़की सब आ जाते हैं, तो उसकी जो बुद्धि है इंटेलिजेंस है, जो डेवलपमेंट है, उसके अध्ययन की जो अच्छी विधि है वो चीज़ें किस में आएंगी। मनोविश्लेषण में आएंगी, तुलनात्मक में आएगी, विकासी में आएंगी, सांख्यिकी में आएंगी, वो किस कैटेगरी में वो चीज़ें आएंगी। थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को बताइए ताकि गलतियाँ कम हो, उनको हम काफ़ी बेटर वे में कर पाएँ। एक बच्चे की बुद्धि वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है जहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तीसरे का कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा। के बब फटाफट आंसर दीजिए, क्विक सभी लोग रिप्लाई करिए कि तीसरे में आप किस MCQs को या किस ऑप्शन को चूज़ करना बेटर सोच रहे हैं। एक ही ऑप्शन है, वो है विकासी विधि, ठीक है। सी ऑप्शन जिन्होंने बताया तीसरे में सी उनका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, एक नंबर आपको और मैं बढ़िया दिलाती हूँ, ध्यान रखिएगा। ये PDF में जितने क्वेश्चन हैं इस तरीके से आपको मैं कई सारे करवाऊँगी, तो आप सब नोट डाउन करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो स्थान संबंधी बुद्धि नहीं है, भावात्मक नहीं है, अंतर्वैयक्तिक नहीं है, और भाषात्मक बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं। उन्होंने 7 कैटेगरी की बुद्धि को डिवाइड किया क्योंकि मनोवैज्ञानिक ज़्यादा थे, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पूरी चीज़ों को देखते हुए कई सहियों को डिवाइड किया। तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो उनके उस 7 की लिस्ट में नहीं आता है। तो 7 के नाम मैं आपको 1 by 1 करके बताऊंगी फिलहाल के लिए। ये टेट के लेवल का क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है आपके बाल विकास में। ये ध्यान रखिएगा कि टेट में जो बाल विकास आता है वो आपके इसी बाल विकास में इसी सेमेस्टर में मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा किसी भी सेमेस्टर में। तो थोड़ा सा बाल विकास की तैयारी उस लेवल से करनी है कि हम इसमें तो जो पढ़ते हैं करते ही उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो बताइए गार्डनर ने 7 बुद्धि का इसमें से एक कौन सा नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो उन 7 की लिस्ट का एक आउट ऑफ द वे है, तो वो यहाँ पर जो है वो आपका बी ऑप्शन, भावात्मक बी ऑप्शन जो है वो इस तरीके से है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा कि जो अधिनियम निर्धारित किया है इनमें से कौन सा नहीं। भावात्मक बी ऑप्शन की बात है, 4th का भी सिंपल है, पर ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो कि क्लियर है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो टफ पड़ेगा, दिक्कत करेगा, तो सिंपल है, बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी तो वो क्या होगी। 5 वर्ष है और उसकी जो रियल एज है, उसकी मेंटल एज, इसका भी एक रेशियो है, इसका भी सूत्र जो टर्मन ने दिया है ये भी मैं बताऊंगी, वो भी मैं करवाऊंगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उसकी वास्तविक आयु क्या है। तो इस तरीके के सूत्र हैं, उन सूत्रों पर इनको लगाना है। पहला ऑप्शन 125 है, दूसरा 80 है, तीसरा 120 है, चौथा 100 है। तो यहाँ पर आपको ये सवाल लगाने आएंगे, इस तरीके से सवाल आपको सॉल्व करने होंगे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा ताकि आप गलतियाँ कम करें। यहाँ पर मानसिक आय पर वास्तविक आय इंटू 100 ये रूल होता है, ठीक है। एम ए बराबर वास्तविक आय को एम ए बराबर सी ए भी लिखा जाता है, करंट एज, ठीक है। एम ए बराबर सी ए इंटू 1000, एम ए कितना दिया है, मानसिक 5 दिया है, या आपका 4 दिया है, या आपका 100 दिया है, इसको आप काट दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मानसिक आय पर वास्तविक आय इंटू 100 के सूत्र पे आपको सवाल जो है हमेशा सॉल्व करने होंगे, तभी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगे। इतना आप बिल्कुल ध्यान रखें, गलती मत करिएगा वरना आपके आंसर्स कटेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर 125 आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस तरीके के कई सारे सेट हैं जो थोड़ा सा ध्यान में रख के करो, आपको वो बहुत थ्योरी हुई चीज़ें बतानी बची हुई है अभी, मैं इसीलिए प्रश्न आपको नहीं करवा रही थी क्योंकि पहले बहुत थ्योरी के सेशन हो जाते हैं, थोड़ा आप लोग रफ्तार पढ़ाई चीज़ें हो जाएंगी, फिर यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को कर लेंगे तो शायद ये आपके लिए काफ़ी आसान पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके के प्रश्न मैं आपको करवाने वाली हूँ आगे चल के, ठीक है। 6 देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है किसने का। ये कथन वाले प्रश्न है, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट वाले प्रश्न, जो कि मैं हमेशा कह रही थी कि आपके पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में आपको स्टेटमेंट के प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मनोविज्ञान में शिक्षा को आधारभूत विज्ञान है, उसको हम यहाँ पर किसने कहा है। मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है, विगियन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। 6 का कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा।
कौन सा ऑप्शन है जो सिंपल तरीके से यहाँ पर करेक्ट होगा, एक ही है वो है स्क्रब बी ऑप्शन, सिक्स का बी जिन्होंने भी चूज़ किया है जो कुछ भी है। तो ये कथन वाले जो स्टेटमेंट वाले हैं ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है बहुत ज़्यादा आपको दिए के रखे होंगे, तो आपको थोड़ा सा मेरे ध्यान में रख के काम करना होगा। एक नहीं कम से कम आपको 20 से 30 तो हर मेन मेन अच्छे अच्छे पॉइंट्स को याद करना होगा, आपको सीरीज़ में भी इवेंट मिलेगा। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट या जो परिभाषाएँ होती हैं उनमें किसने किसको दिया है ये भी चीज़ कभी कभी जो बहुत फेमस होती है वो आ जाती है, तो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 प्रश्न कर लिए, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, कैसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएं, थ्योरी और इसको दोनों में लगे किया जाए, जैसा आप लोग का ओपिनियन है कि वैसे हम यहाँ पर ज़रूर कर लेंगे। टेलीग्राम से कनेक्टेड है, नाम शालिनी क्लासेस है, लिंक आपको दिया गया है। नोट्स वगैरह इन सब्जेक्ट की लेनी है, पहले से पढ़ के रखना है, थोड़ा जल्दी रफ्तार बढ़ाइए और नोट्स वगैरह अपनी ले लीजिए ताकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवा दूँ तो आप वहाँ से उस चीज़ को पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन सुनाइए तो आपका काफ़ी लाभ हो जाएगा, कम समय में आप ज़्यादा सीख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को उम्मीद है नहीं होगी, सिंपल है, बेसिक है, क्लियर कट में है और इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत में याद नहीं करना पड़ेगा टोटली। आगे बढ़ो, है यहाँ पर है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में, जो हिंदी के अक्षर होते हैं उनको बालक किस एज में आता है तो पहचानने लगता है, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष, बताइए जल्दी। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में किस एज में रिकॉग्नाइज, वो किस एज में आते हैं तो जो हिंदी के अक्षर वगैरह लिखे हैं जो कुछ भी रहता है वो उसको ईजिली समझ जाते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से वो उसको समझ जाते हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, कौन सा ऑप्शन है जो एकदम सही होगा। एक ही है, सिंपल है, क्लियर कट में है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो भी आपका इस तरीके से आपको अक्षर का, फिर शब्दों का, फिर वाक्यों का, फिर और भी चीज़ों को पहचानने का, भेद करने का, निर्णय लेने का, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, थोड़ा समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष है तो ये आपका ध्यान रखना होगा, आपका 5 ईयर्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एलेक्सिया क्या है, ये एक प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स का पूरा ग्रुप है जो दिया गया है, पूरा टोटल ग्रुप दिया गया है डिसऑर्डर्स का, सबके अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं। तो एलेक्सिया एक बीमारी है जिसमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहा जाता है कि अगर इसमें आप कैपेबल नहीं हो या आप में ये चीज़ की कमी हो रही है तो आप में वो चीज़ें हैं, डिसऑर्डर का पूरा सेट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अलग अलग सेक्शन में आता है, इवन इंग्लिश में भी आएगा अगर आप टेट लेते हैं तो, क्योंकि दिया गया है उसमें भी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पढ़ने की क्षमता, अगर किसी को एलेक्सिया हुआ तो पढ़ने में असक्षम है, लिखने में असक्षम है, सीखने में असक्षम है, सुनने में असमर्थ है, उसमें किस किस चीज़ों में है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो ये ध्यान रखिए कि जो 8th यहाँ पर है वो पढ़ने की अक्षमता की जो बात यहाँ पर है वो ए ऑप्शन ही 8th के लिए करेक्ट है। अगर कोई एलेकिया से ग्रसित है, एलेकिया के बारे में कुछ चीज़ें हैं तो पढ़ने में उसमें डिसऑर्डर्स होगा, डिसेबिलिटी होगी और उसको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी, तो ये आपको क्लियर ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ होता है तो आप बताइए, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 9th देखते हैं, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष 2 से 7 वर्ष 7 से 11 11 से 15 किस एज स्टेज तक मानी जाती है। तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है किस आयु अवधि तक, एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना हर चीज़ का, तो वो किससे कितने बीच में है। चलिए, बिना पढ़े फ्रेंड्स नहीं आएगा, आप में से किसी ने अगर पढ़ा है तो उसको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि नोट्स में मैंने सब कुछ दिया, इसीलिए नोट्स पहले प्रोवाइड किया था कि आप लोग वहाँ से हर चीज़ को पहले से कवर रखिए, फिर यहाँ से हम रिवीजन कर लेंगे तो आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आप लोग डाउट भी पूछ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक रेशियो एक सिनेरियो की बात आपसे पूछ रहा है एज ग्रुप का, तो वो यहाँ पर ध्यान रखना है, वो यहाँ पर जो है वो 11 से 15 वर्ष का है, 11 से अभी 1 वर्ष का पूछा है, बाकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं उनके भी ईयर्स हमसे पूछे जाते हैं तो हम थोड़ा उस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है, जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसको डेवलप होने में कितने दिन लग जाते हैं, उसको 150 दिन 280 390 460 दिन लग जाते हैं, जब बच्चा घर में रह रहा है कुछ भी हो रहा है तो उसको डेवलप होने में कितने दिन लग जाते हैं टोटली, तो वो अप्रॉक्स आप देख सकते हैं 280 दिन, कितने 280 दिन उसको डेवलप होने में फुल डेवलप्ड होने में लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया है, पेस्टोलॉजी ने, वॉटसन ने, स्टेनले हॉल ने और जेम्स सिल्ली ने, क्विक रिप्लाई करते हुए बताइएगा कि किसने किया है, क्या किया है, क्या सही होगा,
किस मनोवैज्ञानिक के अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है, क्या सही होगा? तो सिर्फ एक ऑप्शन आपका सही है, सिंगल स्टेटमेंट में कह सकते हैं। ये भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में है, कथन वाले में नहीं पता है तो पढ़िए, सीखिए, कई सारे को नोट डाउन करिए कि अगर किसी भी तरीके से पूछा जा रहा है तो वो आपको आना ही आना चाहिए। तो ये सिंपल है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया, तो वो ध्यान रखना है पेस्ट्रोलॉजी ने। किसने किया है? पेस्ट्रोलॉजी ने किया है। 11th में ए ऑप्शन जो है वो क्लियर है, सिंपल है, सही है, टिकाऊ है, बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, बालक का विकास होता है, बालक का विकास कहाँ से होता है? डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों की, दोनों ओर से होता है। एक लड़का या लड़की कुछ भी है, बच्चा है, उसका डेवलपमेंट किस ओर से हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल ये। इसमें क्या सही हुआ है? 12th में क्या सही हुआ था? एक सिंपल सा सही है, वो है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ठीक है। 12th में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं, विकास के संबंध में गलत क्या, विकास के संबंध में जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है? विशिष्ट सामान की ओर सार्वभौमिक प्रक्रियाएँ हैं, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति है। 13 में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट है? बेसिक है, सिंपल है, इतना कोई वो नहीं है, बट आता है, कई बार पूछा भी गया है। एक कथा इसमें ऐसा है जो गलत है, मतलब सूत्र में नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखना है, वर्तुलाकार गति ये नहीं आ रही है। बाकी ऑल 3 ऑप्शंस दिए, सॉरी, इसमें कथन यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये विशिष्ट सामान्य की ओर नहीं होता, ठीक है। इसमें 13 में ए वाला होगा, 13 में ए, ये कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं, गर्भधारण काल की अवस्था नहीं, कोई ऐसी अवस्था इसमें दी गई है जो इस स्टेज में नहीं आती है। शैशवावस्था, डिम्बावस्था, बीजाकरण और भ्रूणावस्था, तो जो नहीं आता है वो आप जानते हो कि गर्भधारण की बात, शैशवावस्था तो पैदा होने के बाद की बात है, बाकी तो तीनों है लेकिन ये वाली नहीं है। तो 14th में ए जिन्होंने भी बताया है उनका सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मानव जीवन की मनोभैतिक मनोभौतिक एकता कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर और हड्डियों का विकास, शरीर और हृदय का विकास, आत्मा और मांसपेशी का विकास। तो ये 4 दिया गया बेसिक बेसिक, इन चारों में क्या बात है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चंस को पढ़ो तब रिप्लाई करो। आज के जितने भी अच्छे अच्छे कमेंट्स बॉक्स में जितने भी कमेंट होंगे, आप लोग को क्वेश्चन भी पढ़ना है, थ्योरी भी करनी, कैसे मैनेज करना है ये आप बताइए, ताकि वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो पाए और ताकि इसमें कभी कि आप याद करोगे तो मुसीबत में पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ कि जितना कोर्स यहाँ पर हो पा रहा है जो भी समय के साथ, लेकिन आप लोग नोट ज़रूर ले लीजिए या बना लीजिए या बुक से पढ़िए, जैसे भी आप पढ़िए और जल्दी कवर करिए चीज़ों को, ताकि इन्हें याद ना करना पड़े, आप कर ले जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पहला वाला सही है, जिन्होंने मन दोनों के डेवलपमेंट की बात है, अगर वो यूनिटी में आ जाती है तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो ए जिसका भी है उनका करेक्ट है। तो ये रहे टोटल के 15 के सेट, टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम पर ईजिली मिल जाएंगे, मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी, उसके लिए आप वहाँ पर ज्वाइन रहो। और जितने भी सीखे के होंगे, ये तो पहला सेट हो रहा है, इससे कि और भी सेट आपको करवाए जाएंगे, आपसे मैंने स्टार्ट कर दिया सभी सब्जेक्ट का, तो वो सब वहाँ पर मिलेगा। बाकी क्विज होती है, चीज़ें होती है, इंटरेस्टिंग रहेगा, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, होती है तो पूछिए, आपको सजेशन जरूर मिलेगा, जितना भी बेस्ट होगा तब बताया जाएगा, क्लियर है? नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।